हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और रात का टाइम है, ये किचन में लगे हुए हैं। तनु भी अपना काम कर रही है, ये भी काम कर रहे हैं। आज किचन को सेट करने की जिम्मेदारी ली है इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी होगी उतनी करेंगे। और मैं यहाँ पर जा रही हूँ गौरी को पानी देने के लिए। इनका खेल लेगी वो, बॉटल उसके पास में रख दी है। तनु अपने काम में यहाँ पे लगी हुई है साथ में ही। खाना मुझे बनाना है, तनु को भी स्टीम लेनी है, इस वजह से वो इधर उधर है। पानी गर्म हो रहा है उसका, तो स्टीमर नहीं है, इसी में ही स्टीम लेनी होती है उसको। पूरी किचन फैली हुई है अभी, और ये काम करना भी बहुत ज़रूरी हो गया था, किचन समेटनी थी। नोनिया आराम से बैठी हुई है, गौरी अपना यहाँ पर जो है ये देखो अनार खाने में लगी हुई है। और ये मेरे को और इनको मिलके करना है, देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप मत कराओ, मैं अकेले कर लूँगा। तो चलो अब मैं आगे इनसे आपको बात कराती हूँ, ये क्या है कर रहे हैं क्या नहीं। ये मुझसे पूछ भी रहे थे यहाँ पर कि ये क्या रखा हुआ है। मैंने कहा ये बीज रखे हुए, खरबूजे वाले बीज होते हैं ना, वो थे। तो चलिए बात कीजिए। ये देखो आज की रसोई मैंने इनके हवाले कर दी है, आप चाहे रसोई में ये कुछ भी करें। तो आज इनकी चेकिंग चल रही है, मेरा खजाना मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो आज ये बोल रहे हैं आज मैं रसोई में करके रहूंगा सारा काम। क्या क्या तुमने रखते हो छुपा कर रखा? इन्होंने अभी अचार के डब्बे खाली करे हैं, और अभी डब्बे और भी खाली कर रहे हैं ये। तो ये बोल रहे हैं कि मैं डब्बे खाली करके सारे सेट करूंगा, क्योंकि यार पहले दुकान और घर के साथ में नहीं टाइम मिल पाता था, अब लॉकडाउन है तो ये कर रहे हैं। आप बोलिए कुछ, बोलिए बोलिए। नहीं 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 बोलिए कुछ, कुछ बोल दो। मैं तो भैया टाइम पास कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा ये है कि भाई इसकी हेल्प करा दूंगा तो सपोर्ट हो जाएगी। बताया था मैंने सबको, मैंने इसकी हेल्प कराता हूँ। क्यों कराता हूँ तो ये भी तो मेरी हेल्प कराती है, इसलिए। और ये किचन भी इन्होंने अभी ये देखो सारा सामान इस तरीके से, सब बोलते हैं मेरा घर फैला हुआ रहता है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ काम में लगते रहते। ये पहले वाला जार होगा है ना, अभी वाला जार था बोरा कोने में रखा हो गया होगा, बंद कर देना। ये पूरा ये अभी साफ करना ही है, नहीं आया इसका, नहीं है ढक्कन, यही वाला है। मैं देख रहा था ना, मुझे लग गया क्या पता मेरी किचन अस्त व्यस्त हो चुकी है। ये जार तो बेकार है ना। हाँ दोनों अस्त व्यस्त होने के बाद में जब संभाला जाएगा इसको तो क्या बोलेंगे, क्या अभी किचन अस्त व्यस्त हो रखी है। हाँ। और फिर जब ठीक होगी तो क्या बोला जाएगा, क्या होगा जब ये लगा हाँ। दी जाएगी तब क्या बोलेंगे, सेट हो गया। हिंदी में, हिंदी में स्वस्थ हो गई है, स्वस्थ व्यवस्थित। अब ये अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है। हाँ। उसके बाद व्यवस्थित हो जाएगा। किसी को समझ में आया हो तो बता देना भैया, मुंह मेरा मुंह देख रही है। नहीं ठीक है, अभी ये अस्त व्यस्त है। और देखो लोग चले जाते हैं, देखो वो जो गोल वाला डब्बा है ना, वो उधर वाला गोल वाला डब्बा है। ये हमारे बेटे ने जीता था, गोलू को मिले थे ये। अच्छा ना, दोनों अच्छे हैं ना, अभी तक रखे हुए हैं। चलो भाई इन ये तो लगे रहेंगे, अभी जाएगा दो घंटे जाएंगे इनके, एक घंटा तो है ही है। तो जब ये किचन से फ्री होंगे तब मैं किचन में काम शुरू करूंगी, ठीक है भाई। देखो वहां पे गौरी अकेले बैठी हुई है और अपने टॉयज उसने निकाल लिए, और नोनी नीचे बैठी हुई है चेयर के। तो वो नोनी को प्यार करने गई थी, लेकिन नोनी उसको भाव नहीं देती है। देखो अब वो नोनी को दे दो, नोनी को दे दो जाओ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हेलो, गौरी के कपड़े यहाँ लेके बैठे हैं। गौरी बनियान में घूम रही है गर्मी की वजह से, उसने उसको टी शर्ट पहनाई थी वो उतरवा दी। और आज हम लोग लंच में, मैं लंच भी क्यों यार, हम लोग 4:15 बजे खाना खा रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट बस थोड़ी सी चाय से हुआ था एक रस के साथ में, तो अभी हम लोगों ने ये बनाया है क्योंकि गौरी पूरी रात नहीं सोई है। गौरी सुबह सोई है 9 बजे, सो गई थी 12 बजे, लेकिन फिर उठ गई थी 2 बजे, फिर सुबह सोइए 9:30 बजे। तो यहाँ पर मैंने आज चने वाले चावल बना दिए हैं अभी, क्योंकि ये बोल रहे थे अभी खाना नहीं खाना है, रात को मैं रोटी खाऊंगा। और साथ में इधर मैंने बना के रखी है भिंडी और
मैंने प्याज काटी हुई है कच्ची, जो कि हम रेगुलर खा रहे हैं आजकल। और पानी क्यों डाला हुआ है, अगर आप प्याज को पानी में भिगो करके रख देते हैं ना, तो इसमें स्मेल जो है आपके मुंह से आने वाली स्मेल जो है वो बहुत कम हो जाती है। अदरवाइज ऐसे ही खाओ तो बाद में बहुत ज्यादा स्मेल आती है। या फिर मैं सीधे इसको नींबू और नमक डाल के रखती हूँ, उससे स्मेल नहीं आती। चलिए आप लोग भी आइए और चने के चावल खाइए, ये अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, कुछ चेंज हो जाता है। तो चने की दाल के बनाती हूँ, या चने के पकड़ना यहीं खाओगे या अंदर कमरे में। और नोनी टमाटर खा के बैठी हुई है, तो उसको अभी आराम दे किचन में, तो जहाँ ठंडा लगता है ना वहां पे बैठी रहती है। और मेरी किचन कल शाम देखी थी आपने, पूरा अच्छे से मैंने फैलाया हुआ था, तो डब्बे खाली इधर निकाल के रखे हुए हैं कि मैं लगाऊंगा अभी, किचन सेट करूंगा। और इसके साथ में हमारे पास में है चटनी, प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची, हरा धनिया है इसकी चटनी है। इनके लिए चम्मच, आ जाओ बच्चों। तो अभी तो फ्लावर मारो, ये खाएंगे और फिर मिलेंगे। और बीज थे कुछ खरबूजे के, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको खाती रहती हूँ। मैं छील धो करके रख दिया, मैं ही खाती हूँ या गौरी को देती हूँ छील करके। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, है कोई नहीं, कोई नहीं, रहने दो। शाम के बजने वाले हैं अभी 7, और ये लोग दोनों छत पर हैं, तीनों, गौरी, नौनी और गौरी के पापा। मैंने लाइट बंद की है और मैंने बनाई है अभी कॉफी, और ये गौरी का टॉय इसमें बांध रहा हुआ था। और मैंने कॉफी ना थर्मस में कर लिया, अलग ही मना करके गए थे कि ऊपर नहीं आना है, तुम अपना काम करो यहीं पे बैठ करके, मैं संभाल लूंगा इन दोनों को। मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, शाम को आधे घंटे तो ऊपर जाते हैं। गौरी को और नोनी को अकेले संभाल पाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गौरी इधर उधर भागती है छत पे सामान उठाती है। मैंने कहा चलो कॉफी बना लेती हूँ, इस बहाने कॉफी भी पी लेंगे, चलो ऊपर मिलते हैं। ये दोनों लगे हुए हैं कौवे को बुलाने। समझ नहीं आ रहा यार, तो लॉकडाउन बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि केसेस तो अब कम हुए हैं लेकिन चांसेस नहीं लग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? हाय करी, हेलो, किसको खाना खिला रहे हो आप, छोटे भाई बहनों को? आप पापा क्या देखो, सारे में रोटी रखती हुई रख रही है, सारे में इकट्ठी करके, और नोनी वहाँ पे रोटी खा रही हैं, क्योंकि नोनी को सूखी रोटियाँ पसंद हैं, तो वो ऊपर आके रोटी खाती है। ये देखो ये ताजी वाली ये छोड़ देगी, जो सूखी सूखी है वो चबा रही है ये, है ना गौरी? क्या कर रहे हैं ये लोग? नोनो ये भी उठा दो यार बेड, देना सूखी वाली खा रही है, वो ताजी वाली नहीं खा रही है, जो पहली पड़ी पापड़ हो चुके हैं ना, खा लेगी, बाद में भी खा लेगी। पकलो 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 कूर नहीं पर गया डाट डाट पर गया डाट 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 डाट। तो देखा आपने इन दोनों बहनों को, इन दोनों बहनों को घर में खाना नहीं मिलता है, इतना अत्याचार होता है, ये लोग छत पे जाके खाना खाते हैं, और वो भी दूसरे बच्चों का। खैर गौरी को तो नहीं देती हूँ, नोनी जिद करके वो खा लेती है। तो यहाँ पर सूरज जो है अभी छिपने वाला है, और तो उसी की ये छोटी सी क्लिप बना रहे थे कि देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये दोनों बहनें हम लोगों की ना अच्छे से, आप सोचते होंगे कि इन लोगों को हम लोग रोटी देते ही नहीं है, इस वजह से ऐसे करते हैं। तो चलो अभी गौरी सफाई करेंगी, तो गौरी यहाँ पर अपनी सफाई में लग गई हैं, इनका क्लीनिंग टाइम है, ये लगी हुई हैं काम में।
और जो भी इस चैनल पर नए है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को बीच में ही बोल रही हूँ, बीच में ही बोलना ठीक रहता है, अदरवाइज लास्ट में चले जाते हो आप लोग ना, वीडियो देख करके भूल जाते हो। तो अपने पापा को बोल रही थी कि आप भी कर लो, ये ना दीवार पे बैठने की जिद कर रही थी, इस वजह से इसको मना कर रहे थे। बहुत मतलब जिद होने लग गई है गौरी और नोनी दोनों बहनों की, कि दोनों के दोनों ऊपर चढ़ती हैं। मैं आपको नोनी को दिखाऊंगी ना कि नोनी यहाँ पे खड़ी हुई है, और गौरी भी बोलती है कि मुझे भी वहीं पे खड़ा करो। तो ऊपर जाके अब ये बहुत ज़्यादा जिद करने लग गए हैं। अब नोनी गौरी को भी देखो यहाँ पे पकड़ करके रखा है। दोनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों की मर्जी होती है, जो करना है तो वो करना ही है। और देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसको कोई डर नहीं है कि मैं गिरूंगी नहीं गिरूंगी, बस मुझे बैठना है तो बैठना है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में।